Good morning everyone. Today in this video of class 7th biology we'll be studying chapter respiration. और इस respiration chapter के वीडियो में आज हम दो टॉपिक्स पढ़ेंगे. वो दो टॉपिक्स आपके बैक ऑब्जेक्टिव से होंगे. फर्स्ट है आपका चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर और सेकेंड है गिव द वन वर्ड आंसर्स. सो लेट स्टार्ट विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर्स. पहला, इन इंसेक्ट्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू. इंसेक्ट्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस चीज़ के हेल्प से होता है? ए स्पिरिकल्स, बी गिल्स, सी लंग्स और डी स्टोमेटा. कौन से ऑर्गन से होता है? आपका ए स्पिरिकल्स. स्पिरिकल्स वो जगह हैं जहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है इंसेक्ट्स में, ठीक है. गिल्स फिशेज में यूज होते हैं, लंग्स ह्यूमन बींग में और स्टोमेटा प्लांट्स में. सो योर करेक्ट आंसर इज ए स्पिरिकल्स. क्वेश्चन नंबर टू, थ्रू विच ट्यूब्स डज एयर एंटर द लंग्स फ्रॉम द विंड पाइप. वो कौन सा ट्यूब है जिसके थ्रू एयर लंग्स में एंटर करता है विंड पाइप से? ए ब्रोंकाई, बी ब्रोंकियोल्स, सी एल्वियोलाई, डी ट्रैकिया. सो योर करेक्ट आंसर इज ए ब्रोंकाई. किसके थ्रू एंटर करता है? ब्रोंकाई. ट्रैकिया फर्दर डिवाइड होता है किस में? ब्रोंकाई. ब्रोंकाई लंग्स में जाने के बाद किस चीज़ में डिवाइड होता है? ब्रोंकियोल्स और उसके बाद एल्वियोलाई, ठीक है. तो क्या होगा आपका आंसर? ब्रोंकाई. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, वेयर इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम डज ऑक्सीजन फ्रॉम एयर ब्रीथ इन पासेज इन टू द ब्लड. वो कौन सा जगह है रेस्पिरेटरी सिस्टम में जहाँ से ऑक्सीजन ब्लड में इंटर करता है, ब्लड में ऑक्सीजन जाता है? ए ट्रैकिया, बी ब्रोंकाई, सी ब्रोंकियोल्स, डी एल्वियोलाई. कौन सा जगह है? डी एल्वियोलाई वो जगह है जहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, ठीक है. जहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, ठीक है. क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ दीज इज नॉट ट्रू अबाउट सेलुलर रेस्पिरेशन. इनमें से कौन सा चीज़ सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में सही नहीं है? ए इट रिलीजेज एनर्जी, बी इट अकर्स ओनली ड्यूरिंग द डे, सी इट यूटिलाइजेज ऑक्सीजन एंड लिबरेट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड डी इट अकर्स इन ऑल द लिविंग बींग्स. तो इनमें से कौन सा चीज़ सही नहीं है? इट अकर्स ओनली ड्यूरिंग द डे, ठीक है. बी ऑप्शन जो है आपका वो सही नहीं है. क्यों? क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन जो है वो दिन या रात हमेशा होता है, तभी हमको एनर्जी प्रदान होता है, तभी हमको एनर्जी मिलता है, ठीक है. तो आपका सेलुलर रेस्पिरेशन का ये फोर्थ क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है आपका? बी इट अकर्स ओनली ड्यूरिंग द डे इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज ट्रू अबाउट एनारोबिक रेस्पिरेशन. इनमें से कौन सा चीज़ एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में सही है? ए ऑक्सीजन इज यूटिलाइज, नहीं होता है ऑक्सीजन, ये ऑप्शन गलत है. बी कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट, ये सही है, ठीक है. इन ऑर्गेनिजम्स लाइक यीस्ट एंड बैक्टीरिया क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में. सो योर करेक्ट आंसर इज बी कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट. दिस इज योर करेक्ट आंसर. क्लियर. सी देखते हैं, सी ऑप्शन क्या है आपका? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इज मोर देन एरोबिक, नहीं, एनारोबिक में एनर्जी लेस रिलीज होता है एरोबिक के कंपैरिजन में. एंड डी समटाइम्स इट अकर्स इन ह्यूमन बॉडी ऑल्सो. सो योर करेक्ट आंसर इज बी कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट. नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू. प्लांट्स में गैसेज का एक्सचेंज किस चीज़ के हेल्प से होता है? ए स्टोमेटा, बी रूट्स, सी बड्स एंड डी इंटायर लीफ सर्फेस. योर आंसर इज ए स्टोमेटा. स्टोमेटा वो जगह है जहाँ से आपका प्लांट्स में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं. क्लियर. वो जगह कौन सा है प्लांट्स में जहाँ से मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं? ए दैट इज स्टोमेटा. क्लियर, अंडरस्टूड. नेक्स्ट, ड्यूरिंग विच प्रोसेस इज एनर्जी रिलीज. इनमें से कौन से प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज होता है? ए एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, बी इंटरनल रेस्पिरेशन, सी इन्हेलेशन एंड डी एक्सहेलेशन. वो कौन सा प्रोसेस है जहाँ एनर्जी रिलीज होता है? दैट इज़ बी इंटरनल रेस्पिरेशन. इंटरनल रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है. कौन सा प्रोसेस है? इंटरनल रेस्पिरेशन. इसे और क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन. क्लियर. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन.
विच ऑफ दिस इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा चीज़ सही नहीं है। ए, कंबशन इज फास्टर प्रोसेस देन रेस्पिरेशन, कंबशन एक फास्टर प्रोसेस है रेस्पिरेशन के तुलना में, ये सही है। बी, कंबशन अकर एट हाई टेम्परेचर देन रेस्पिरेशन, कंबशन हायर टेम्परेचर पे होता है रेस्पिरेशन के तुलना में, ये भी सही है। सी, इन कंबशन एनर्जी इज रिलीज इन सेवरल स्टेप्स, कंबशन में एनर्जी स्टेप वाइज रिलीज होता है, ये गलत है। कंबशन में एनर्जी डायरेक्टली रिलीज होता है एक सिंगल स्टेप में, ठीक है। सो योर करेक्ट आंसर इज सी, इन कंबशन एनर्जी इज रिलीज इन सेवरल स्टेप्स, वेयर एज इन रेस्पिरेशन इट इज रिलीज इन सिंगल स्टेप। दिस इज योर करेक्ट आंसर, योर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, क्लियर। लेट्स मूव टू वन वर्ड आंसर्स, वन वर्ड आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, गिव वन वर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, वो प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, उस प्रोसेस को बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। क्या बोला जाता है, सेलुलर रेस्पिरेशन या इंटरनल रेस्पिरेशन, क्लियर। नेक्स्ट, नेम द फ्लैप दैट क्लोजेज द विंड पाइप व्हेन यू स्वेलो फूड, यानी वो कौन सा फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, वो कौन सा कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर है जो विंड पाइप को क्लोज करता है जब आप खाना खाते हो, जब आप पानी पीते हो, कौन सा स्ट्रक्चर है, एपिग्लॉटिस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस, क्लियर। नेक्स्ट, विच मस्क्यूलर पार्ट ऑफ द बॉडी प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी हेल्प्स एयर टू बी ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, वो कौन सा मस्कुलर पार्ट है बॉडी का जो एयर ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट में हेल्प करता है, आंसर इज डायफ्राग्म, ठीक है। ये वो मस्कुलर पार्ट है, वो मस्कुलर सीट है जिसपे आपके लंग्स रेस्ट करते हैं, क्लियर। तो कौन सा पार्ट है वो, डायफ्राग्म, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड डैश और डैश रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग या फिर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग या फिर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, वो प्रोसेस जिसमें हम ऑक्सीजन को बाहर के एटमॉस्फेयर से लेते हैं और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड को अपने बॉडी से रिलीज करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग या फिर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, क्लियर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, नेम द पोर्स इन स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ द प्लांट थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस, पोर्स जो लीव्स या स्टेम्स में हैं जहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है उसे क्या बोलते हैं, आंसर इज स्टोमटा, क्या बोलते हैं उन्हें, उन पोर्स को क्या बोलते हैं, स्टोमटा। इनका ओपनिंग और क्लोजिंग को कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल कौन करता है, गार्ड सेल्स, कौन कंट्रोल करता है, गार्ड सेल्स, और गार्ड सेल्स का कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन को कौन कंट्रोल करता है, मॉइस्चर एंड सनलाइट, क्या कंट्रोल करता है, मॉइस्चर एंड सनलाइट, क्लियर। नेक्स्ट, इन अमीबा एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर्स बाय डैश थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, अमीबा में एक्सचेंज ऑफ गैसेज किस प्रोसेस से थ्रू होते हैं, आंसर इज डिफ्यूजन, प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन, बाहर के एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनके बॉडी में एंटर करता है और थी अंदर बॉडी से डायरेक्टली ऑक्सीजन बाहर के एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन, प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। तो अमीबा में गैसेस का एक्सचेंज किस प्रोसेस से होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन फिशेज एंड अकर्स थ्रू गिल्स, ट्रू और फॉल्स, फिशेज में जो हैं वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज गिल्स के हेल्प से होते हैं, ये ट्रू है या फॉल्स है, आंसर इज ट्रू, फिशेज में एक्सचेंज ऑफ गैसेज गिल्स के ही मदद से होते हैं, गिल्स ही वो ऑर्गन है जो फिशेज में एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प करता है, सो योर आंसर इज ट्रू। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट, दैट इज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन द शुगर मॉलिक्यूल्स इन फूड आर डैश टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्या होता है, शुगर मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है, सो दे आर वॉट, दे आर ऑक्सीडाइज्ड, दे आर वॉट, ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्वेश्चन नंबर नाइन, रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, ट्रू और फॉल्स, वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के बिना हो
उसे क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन? नहीं, उसे बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। क्या है ये स्टेटमेंट? फॉल्स है। क्लियर? वो रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, विदाउट ऑक्सीजन वाले को? एनारोबिक। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ट्रेस द पाथ ऑफ ऑक्सीजन इन द ह्यूमन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बाई फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ द मेन ऑर्गन्स दैट आर एसोसिएटेड हियर। विल सी नॉस्ट्रिल्स एंड नेसल कैविटी। यहाँ से एयर कहाँ जाता है आपका? फैरिंग्स में जाता है। कहाँ जाता है? फैरिंग्स में। फैरिंग्स से कहाँ जाता है? ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। एंड फ्रॉम देयर इट मूव्स टू लंग्स। ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई से लंग्स, लंग्स से ब्रोंक्योल्स, ठीक है, फ्रॉम लंग्स और इनसाइड द लंग्स एयर इंटर्स इनटू ब्रोंक्योल्स एंड एल्वियोलाई। ब्रोंक्योल्स के एंड में आपके सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम एल्वियोलाई बोलते हैं, ठीक है। एल्वियोलाई से ब्लड्स में, सॉरी ब्लड में, और ब्लड से सेल्स में। क्लियर? एंड लास्ट क्वेश्चन, द सब्सटेंस प्रेजेंट इन ब्लड विच ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन इज डैश। वो सब्सटेंस जो ब्लड में हो और ऑक्सीजन को कैरी करता है, उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है। दिस इज रेड कलर्ड सब्सटेंस दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सो यू ऑल योर बैक ऑब्जेक्टिव्स हैज बीन कंप्लीटेड, नाउ प्लीज रिवाइज इट एंड लर्न इट, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप स्टडिंग।